हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, 11 का वर्गमूल कैसे निकालें अभी हम सीखेंगे। वर्गमूल को लिखते हैं हम अपना अंडरूट सिंबल के द्वारा, और यहाँ पर हमारा मेथड रहेगा भाग विधि। मैं हूँ सुरेंद्र खिलेरी, और आप अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यह कितने अंकों की संख्या है? तो आप कहेंगे कि यह आपकी 2 अंकों की संख्या है। इसके साथ आप ये भी सीखें कि 2 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें। अभी जो मैं तरीका बताऊंगा उसके द्वारा आप अन्य संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी हो। तो देखिए, यह कितना है आपका? 11। 11 के लिए हम एक ऐसी संख्या का चुनाव करेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो वैल्यू आ रहा है वो आपका क्या हो, 11 से कम हो। जैसे हमने 3 × 3 लिया, 9 आ रहा है, जो कि 11 से कम है। इसे एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं तो 4 × 4 लिया, 16 आ गया। देखिए ये 11 से बड़ा है तो हमें यहाँ पे रुक जाना है। किसको लिया? ये हमारा यहाँ पर सेट बैठता है। ध्यान रखें, जिस संख्या को लेंगे उससे एक बड़ी संख्या लेकर भी चेक करेंगे। उससे बड़ी संख्या लेते ही आपका क्या आ गया? देखिए 11 से बड़ा आ गया। तो हमें किस पे रुक जाना है? यहाँ इस संख्या पे रुक गए, जैसे 3 पे रुक गए। ओके, अब इसको ऐसे लिखना है, इनका गुणा यहाँ लिखना है, एक बार इसको यहाँ ऊपर लिखना, उसके बाद इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। अब हम बच्चों क्या करें? देखिए बच्चों, किसी भी संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.000000। ऐसा क्यों लिखा? ताकि हम आगे का डिवाइड कर सकें। तो इन आगे के जीरो को काम में लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को हटा देता हूँ। ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ ऊपर आ जाएगा, और आगे के जीरो में काम में ले सकता हूँ, काम में ले लिया। अब जैसे हम इसके साथ 3 लेते हैं, 3 का गुणा करते हैं तो आपका इससे बड़ा नहीं आ रहा है। जैसे 4 लिया, 4 का गुणा किया तो इससे बड़ा आ जाएगा। ठीक है, यानी जिस संख्या को लिया उससे एक बड़ा संख्या लेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा। ये देखिए, आप चेक कर सकते हैं। किसको लिया? 3 को दिया, ऊपर लिख देंगे। फिर क्या करना है? इसको घटाना है और इसको जोड़ना है। कितना आ गया? घटाने में कितना आ गया? और इसके साथ अगले डबल ज़ीरो में यहाँ ले आता हूँ। अब इसके साथ जैसे मैं 2 लेता हूँ, 2 का गुणा करता हूँ तो 1100 से बड़ा आ रहा है, लेकिन मैं 1 लिया, 1 का गुणा किया, 1100 से बड़ा नहीं है। किसको लिया मैं? 1 को, तो यहाँ लिख दूँगा। उसके बाद वही फिर आपका घटाना और जोड़ना करके आप जहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं वहाँ तक फाइंड कर सकते हैं। यह जो हमारा वैल्यू निकला है 3.31, यह 11 का वर्गमूल है।